बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और परिंदों में फिरका परस्ती नहीं होती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। स्थानीय कवि सम्मेलन में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आज हमारे बीच मंच पर हैं मुख्य अतिथि माया नारोलिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष ब्रज किशोर जी पटेल, संतोष इंकलाबी, महेश मूलचंदानी, बाबूलाल जी कदम, संतोष व्यास, गिरिमोहन गुरु, जगदीश वाजपेयी, सारस्वत जी बिकल, शिवानंद सोंदी, करम होशंगाबादी, शोभा यादव, और कार्यक्रम का संचालन करेंगे पंडित शास्त्री नित्य गोपाल जी कटारे। तो आज लीजिए, आज इस कविता के सम्मेलन में, इस कविता की वातावरण में आपको हम ले चलते हैं। जोरदार तालियां बजाकर कवि सम्मेलन की शुरुआत कीजिए। की ठिठोलियों में नहीं बहलाएंगे, दुर्थी और नशीली सारी व्यर्थ की पहेलियों में वासना का छोंक लगा नहीं बहकाएंगे। हम गीत वो सुनाएंगे जो चेतना जगाए, पर अनहित की ठिठोलियों में नहीं बहलाएंगे, दुर्थी और नशीली सारी व्यर्थ की पहेलियों में वासना का छोंक लगा नहीं बहकाएंगे। लिखेंगे वेदना के स्वर साधना संवेदना के सौगंध शारदा के शब्द नहीं पथराएंगे। शहीदों पे सोलियों पे भूखी मजबूरियों पे प्राणदानी पीढ़ियों की पीढ़ियां जगाएंगे। गीत को सुनाएंगे पिता के, पिता तो आसमान होता है नहीं कोई जिसके समान होता है। पिता तो आसमान होता है नहीं कोई जिसके समान होता है। डाइट का बिल, दूध का हिसाब, बच्चों के जूते कपड़े कापी किताब, जिसे सिर्फ घर का खर्च नजर आता है। कैलेंडर में दूसरी तीसरी बार महीना बदल जाता है, लेकिन पिता अपना फटा जूता फटा बनियान बदल नहीं पाता है। घर के बजट में उस पर खर्च का कोई प्रावधान नहीं होता है। पिता तो आसमान होता है। मेरा गीत जैसा देसी यहां प्रीत से परहेज नहीं, ऐसा देसी छोड़ कर चैन नहीं पाओगे। हम यादें आएंगे, ये बाहर यादें आएंगी, यादों में हमारी घुटी घुटी मर जाओगे। तो सारी उम्र का ख्याल छोड़ो, महीनों को साल छोड़ो, चार घंटे चार चार साल जैसे आएंगे। कानों में अजान नहीं, आंखों में भगवान नहीं, जहां तक नजर जाए नग्न तक पाओगे। मेरा गीत प्रीत से परेजी नहीं, ऐसा देसी बोलू कहाँ पाओगे। यहाँ रोज रम जाने नहीं, वहाँ रोज रम जाने नहीं, राम सलाम नहीं, रहीम के कलाम को बहादा दे नहीं पाओगे। तो अपनी अपनी मस्तियों में खाओ पियो मस्ती रहो, अपनी अपनी बस्तियों में खाओ पियो मस्ती रहो, ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं पाओगे। मेरा गीत जैसा सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, हमारे सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। इसका कारण ये नहीं कि हम कोई बड़े दादा हैं या हमारे पास धन दौलत कोई ज्यादा है। हमारे सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, इसका कारण सिर्फ जल है, क्योंकि हमारे घर के सामने नगर पालिका द्वारा लगाया हुआ एक सार्वजनिक नल है। माथे पे बिंदी, कानों में झूमर ना, गले में हार, ऐसी दुल्हन लाज का काजल कहाँ से लाएगी। और मर्यादा की देहरी के दरवाजे ही टूटे हो तो घर की गृहस्थिन भला साकल कहाँ से लाएगी। तो नंगा होने में ही गौरव काम जो समझने लगे, ऐसी नारी लाज का काजल कहाँ से लाएगी। अरे माँ की ममता को तरसेगी आने वाली पीढ़ी, क्योंकि पैंट शर्ट वाली महाचल कहाँ से पैंट शर्ट वाली महाचल कहाँ से। बहुत अवस्थाई गुलाबन सुना सुना साये मन, मृदावस्थाई गुलाबन और सुना सुना साये मन, किससे कहें हम दिल की बातें, किससे कहें हम दिल की बातें,
सूना सूना है ये सदन, ओ छूट गए हैं सभी सहारे, टूट हुआ ये जीवन, वृद्धावस्था दर दर भटके जर जर होता तन, वृद्धावस्था दर दर भटके जर जर कमें जंगे मजहब खुला के तो देखो, चले आएंगे हम बुला के तो देखो, नजाराए जन्नत यहाँ हर तरफ है, नजाराए जन्नत यहाँ हर तरफ है, ये दीवारे मजहब गिरा के तो देखो, न भटकेगी अब आग नफरत की दिलबें, न भड़केगी अब आग नफरत की दिल में, गले आदमी को लगा के तो सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आप इतने जिंदगी में खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। क्या बात है, क्या बात है, कि दुनिया में कितनी ही लैंग्वेज बोली जाए, दुनिया में कितनी ही लैंग्वेज बोली जाए, तरक्की हिंदी की होगी। दुनिया में कितनी ही लैंग्वेज बोली जाए, तरक्की हिंदी की होगी। अमेरिका या रशिया भले चांद पर जाए, वहाँ पहली दुकान सिंधी की होगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह यार, ये सच्चाई है। तो कवि, ये कवि लोग दिन में झाड़ू लगाते हैं। अरे नहीं देखा है, कवि दिन में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं और कपड़े धोते हैं, इसलिए कभी समय रात में ही होते हैं। होली खेलने के बाद एक नेताजी ने जब अपना चेहरा धोया, होली खेलने के बाद एक नेताजी ने जब अपना चेहरा धोया, तो वे आश्चर्य से भर गए, काला रंग चढ़ा रहा, बाकी सब उतर गए। के द्वार पर साधु ने पुकारा, माई कुछ दान मिले तो कल्याण हो तुम्हारा, तभी भीतर से आवाज आई, तभी भीतर से आवाज आई, महाराज ऐसा तो कुछ नहीं है जो तुम्हारी झोली में भर दूं, महाराज ऐसा तो कुछ नहीं है जो तुम्हारी झोली में भर दूं, हाँ दहेज न मांगो तो कन्यादान कर दूं। भाई संतोष सिंह राव जी को तालियों के साथ आप स्वागत करें। मेरी कहानी है बड़ी दुभरी, ऊपर वाले ने कोई कृपा ही नहीं करी, अब गांव के 15-20 हो गए रंडुआ, मेरी लुगाई अभी तक नहीं भरी, क्या घाक मराऊं 15 अगस्त 26 जनवरी, घरवाली ये दाल के जैसी, जीवन में जंजाल के जैसी, सौंदर्य विकराल है उसका, दिखती है बेताल के जैसी, राम जाने की सूरत से कब मेरा पीछा छूटेगा, जब से देखी नई पड़ोसन तब से लग रही कार के जैसी, जब से बोलू ब्याह के लाया घर में सोन परी, क्या घाक मनाऊ 15 अगस्त 26 जनवरी, और बे 16 AC के अंदर जो चेहरे से दिखते बंदर, वो भ्रष्टाचार से तोन फुलाकर बन बैठे जो मस्त कलंदर, उनका नारा भाईचारा जो चेहरे पशुओं का चारा, वो बच्चे ऐसे पैदा कर रहे जैसे मक्खी मच्छर, उन पे है डनलप का गद्दा, हम पे फटी दरी, क्या घाक मनाऊ 15 अगस्त 26 जनवरी, और अब गरीब का पेट पालना भी कितना दुश्वार हो गया, लकड़ी लेने गई थी मुनिया, वन में बलात्कार हो गया, वो बदनामी के डर से उसने सल्फास की गोली खा ली, और जिल्लत से जीने के बदले उसने मौत को गले लगा ली, अस्पताल के बिस्तर पर वो तड़प तड़प कर मरी, क्या खाक मरा 15 अगस्त 26 जनवरी, क्या खाक मरा 15 अगस्त 26 जनवरी, वे चोटों पर चोट कर रहे, चोट कर रहे, सारी दुनिया देख रही है, दिल्ली घुटने देख रही है, और मियां जरदारी हमें सुनाते अब भी खरी खरी, क्या खाक मरा 15 अगस्त 26 जनवरी, अरे सेनाओं के हाथ खोल दो और कड़े शब्दों में बोल दो कि पाक और अफगान चाहिए, अखंड हिंदुस्तान चाहिए, चाहे हमको झेलना पड़े घर में ही भुखमरी, तभी मनाएंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी, तभी मनाएंगे 15 अगस्त। कि मंदिर के पट बंद है, मंदिर के पट बंद है, बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ जमा है, मंदिर के पट बंद है, बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ जमा है, और पुजारी का मन दूरदर्शन में रमा है, मंदिर के पट बंद है,
बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ जमा है और पुजारी का मन दूरदर्शन में रमा है। दिखा चांद पर काला धब्बा, कुछ ना कुछ तो है, ओ कालिख है या गहरा गड्ढा, कुछ ना कुछ तो है। दिखा चांद पर काला धब्बा, मातृभूमि के लिए हम स्वर्ग से बाहर ने ये हिमालय की छटकती स्वाभिमान है, इसकी गोद में बसा देश ये महान है। बद्रीनाथ हम चले इसके निराल शान है, ब्रज में होली हो रही कैसी आन बान है। ये छटकती स्वाभिमान है, इसकी गोद में बसा देश ये महान है। बद्रीनाथ हम चले इसके निराल शान है, ब्रज में हो अब्दुल मनोहर जी और श्री मुखर्जी पटेल साहब एवं हमारे बच्चे सभी नागरिक शहर के हमारे मंडल अध्यक्ष श्री तिवारी जी और सभी इस कार्यक्रम की उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और श्री राजीव बाबा को अपनी अपनी तरफ से हार्दिक हार्दिक कामनाएं की है। मैं सभी का बहुत बहुत अगर पंजाब की ओर से आभारी हूँ।